हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी 21। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको चैप्टर 10 पढ़ा रहे थे और इसमें हमने आपको अपने काफी सारे रूल्स समझा दिए थे, काफी सारे पैटर्न्स, काफी सारे रूल्स, ठीक है ना, किस तरह टाइप से इसमें यूज होते हैं, हम किस टाइप से स्टूड यूज करते हैं, वो सब हमने आपको इसमें काफी समझाए हैं और उन पर बेस्ड हमने आपको काफी सारी एक्सरसाइजेस भी कराई हैं जिससे कि आपको सभी रूल्स का रिवीजन होता रहे। तो आई होप जितना भी हमने आपको पढ़ाया है वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज भी हम आपको चैप्टर 10 पढ़ाएंगे हाविंग, और आज हम आपको इसमें एल के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, कि एल हमारा, देखिए एल भी हमारा दो टाइप से यूज होता है, एक तो अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड। तो कब हमारा अपवर्ड एल यूज होता है और कब हमारा डाउनवर्ड एल यूज होता है, आज हम आपको वो बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होता, जो कि देखिए मोस्टली क्या होता है कि जो स्ट्रोक हमारा दो तरह से बनता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड दो तरह से बनता है, उस स्ट्रोक में बच्चे ऑलमोस्ट गलती करते हैं, ठीक है ना, उसमें आउटलाइंस उनकी गलत हो जाती है जिससे कि मार्क्स कट जाते हैं ज्यादातर। तो इसीलिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एक ही बार में एल के दोनों यूजेस अच्छे से समझ में आ जाएं और आप आगे गलती ना करें, ठीक। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एल यूजली अपवर्ड, देखिए मोस्टली क्या होता है कि एल हमारा अपवर्ड यूज होता है। देखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे होते हैं, पहले आप देखिए, देखिए जैसे कि हमारी ये लाइन होती है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ये हमारी लाउन होती है। देखिए डाउनवर्ड एल, डाउनवर्ड एल हमारा इस तरह से बनता है, ये होता है हमारा डाउनवर्ड एल, ठीक है। और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे तो ये होता है हमारा अपवर्ड एल, ठीक। ये क्या हुआ, ये है हमारा डाउनवर्ड और ये है हमारा अपवर्ड, ठीक। अब इन दोनों में से कब कौन सा एल यूज करना है वो हम आज आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि देखिए हमारा फर्स्ट रूल है आफ्टर एन और एनजी डाउनवर्ड एल। इसका मतलब यह है कि देखिए एन और एनजी के बाद में अगर एल आता है तब हम डाउनवर्ड एल बनाएंगे। और तो सबसे पहले हम आपको क्या सिखा रहे हैं कि डाउनवर्ड एल हम कब बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर जैसे कहीं भी देखिए एन या एनजी के बाद एल आ रहा है तो वहां पर आपको डाउनवर्ड एल बनाना है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इनके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे कि हमारा ओनली है ना, ओनली, अब यहाँ देखिए एन आ गया और एन के बाद में एल आ गया, ठीक, ओनली। तो अब देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, इसकी आउटलाइन देखिए, ओन, अब देखिए एल हमारे यहाँ पे कौन सा बनेगा, डाउनवर्ड बना, ठीक है ना, ओन ली, क्लियर, आगे ना समझ में। ऐसे ही देखिए अनलेस, यहाँ पे भी देखिए एन के बाद में एल आ रहा है, तो देखिए अनलेस, क्लियर। यहाँ पे भी देखिए हमारा डाउनवर्ड एल बना। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए अनटिल, यहाँ पे भी देखिए एन आ गया और एन के बाद में एल आ रहा है, एन पहले आ रहा है एल बाद में आ रहा है, तो ये यहाँ पे भी देखिए अनटिल। अब देखिए यहाँ पे हमने क्यों बनाया, ये एन यहाँ पे हमने छोटा इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे एन के साथ में टी आ रहा है, क्लियर। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा अनटेल। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए कैनाल, एन के बाद में एल आ रहा है, तो देखिए कै ना ल, ठीक, कै ना ल, एल आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल आप इसको रूल फॉलो करें। देखिए स्टार्टिंग से हम जो आपको पढ़ाते आए हैं चैप्टर 1 से, वो भी रूल्स इसमें साथ के साथ आएंगे, जैसे कि हमें वोवल्स के अकॉर्डिंग इन आउटलाइंस को बनाना है कि अगर सेकंड प्लेस वोवल है तो सेकंड प्लेस पे आउटलाइन बनेगी, और अगर फर्स्ट प्लेस वोवल है तो फर्स्ट प्लेस पे, और थर्ड प्लेस वोवल है तो थर्ड प्लेस, ठीक है ना, आउटलाइंस हमारी हमारे वोवल्स के अकॉर्डिंग ही बनेंगी, ठीक। यानी जो पहले हम रूल पढ़ते हैं वो तो फॉलो होंगे ही, वो तो आपको याद ही रखने, आगे हम जो पढ़ाते जा रहे हैं उनको भी साथ साथ हम फॉलो करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमें स्पीड में रखने में बहुत ईजी रहता है, ठीक है, योग्य हमारा कैनाल। नेक्स्ट देखिए अनालिसिस, ठीक, अब देखिए यहाँ पे एन के बाद में एल आ गया, ये देखिए अनालिसिस, अनालिसिस, यहाँ पे दो वुड लगे डॉट, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए डबल एस था तो हमारा ये बड़ा वाला सर्कल बन गया, अभी फर्स्ट प्लेस पर आ रही थी तो हमारी फर्स्ट प्लेस पर वो बन लगा, क्लियर, अनालिसिस। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एक्सीडिंगली, अब यहाँ पे देखिए एनजी आ गया, एनजी के बाद में एल आ गया, है ना, ये था ना कि अगर एनजी के बाद में भी आया तो यहाँ पे देखिए एनजी के बाद में एल आ गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमारी आउटलाइन कैसी बनेगी, एक्सीडिंगली, ठीक है ना, एक्सीडिंगली, क्लियर, आगे समझ में। तो कितनी इजी इजी है ये, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है हमारा एनुअल, ठीक, देखिए एनुअल, क्लियर, ये क्या हो गया हमारा एनुअल, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए एविडेंटली, एन के बाद एल आ गया, ठीक, एविड एंडली, ठीक, एविड एंडली, अभी देखिए बी हमने छोटा बनाया क्योंकि देखिए बी के साथ मिट्टी आ गया, अब एन छोटा बनाया क्योंकि एन के साथ मिट्टी आ रहा है और बाद में हमारा एल आ रहा है, ठीक। तो क्या हो गया ये हमारा एविडेंटली। नेक्स्ट देखिए अनफॉर्चुनेटली, देखिए अनफॉर्चुनेट और ये ली, अन
अनफॉर्चुनेट और ये ली. क्लियर? आगे ना समझ में, बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको रूल समझ में आ जाए. ऐसे देखिए, रिसेंटली ठीक, ओके. ऐसे नेक्स्ट देखिए, सर्टेनली ठीक, क्योंकि हमारा सर्टेनली. क्लियर है ना बहुत इजी. तो ये हमारा एक रूल कंप्लीट हुआ. एन और एनजी के बाद अगर एल आता है तो अब हम डाउनवर्ड एल बनाएंगे, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट रूल, है हमारा वोवल इंडिकेशन इज इक्वल टू डाउनवर्ड एल. देखिए वोवल इंडिकेशन, जहां पे वोवल्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पे भी देखिए मोस्टली डाउनवर्ड एल का यूज होता है, बट कभी कभी हमारा अपवर्ड भी होता है और कभी कभी डाउनवर्ड भी. तो अब देखिए हम वोवल्स के अकॉर्डिंग हम कैसे एल का यूज करेंगे, अब हम नेक्स्ट रूल में वो पढ़ेंगे, ठीक है. देखिए जैसे कि हमारा फर्स्ट है इनिशियल वोवल बिफोर एल. अगर एल से पहले हमारा कोई इनिशियल वोवल आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे एल से पहले आ रहा है, देखिए एल से पहले यहाँ पे वोवल आ गया ना, अगर इनिशियल वोवल बिफोर एल, एल से हमारा इनिशियल कोई वोवल आ रहा है तब हम डाउनवर्ड एल का यूज करेंगे. और एल इज फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक. और अगर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा है, यानी कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से भी पहले अगर हमारा एल आ रहा है, यहाँ पे दोनों रूल एक साथ हो रहे हैं. कौन कौन से यूज हो रहे हैं? एक तो अगर एल से पहले कोई वोवल आ रहा है तब भी हमारा डाउनवर्ड एल यूज होगा, और साथ साथ एल के बाद अगर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा है, यानी कि अगर एल हमारा किसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को फॉलो कर रहा है तब भी हम डाउनवर्ड एल का ही यूज करेंगे, ठीक, ओके. देखिए अब जैसे कि ये हमारा क्या है, एलोन, ठीक है ना. तो देखिए अब यहाँ पे देखिए एलोन, ये एल है, एल से पहले हमारा ए वोवल आ गया, ठीक. अब एलोन एन है, एन क्या है हमारा, देखिए एन हमारा ए से बनता है, तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है. क्लियर? तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए एलो नो, ठीक, ए लोन, ठीक है ना. ऐसे ही देखिए अलोंग, एलो ये एनर्जी डार्क बनेगा, ठीक है ना, ए लॉन्ग, ठीक है. ऐसे ही देखिए एल्म, ए का पहले आ गया, बट ये जो आउटलाइन है हमारी सेकंड प्लेस में ए का साउंड हो रहा है, तो देखिए एल्म. क्लियर? हो गया हमारा एल्म. ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट, ठीक है, इलेक्ट, ये भी हमारी जो आउटलाइन है सेकंड प्लेस पे बनेगी, देखिए इलेक्ट, ठीक है ना. यहाँ पे देखिए हमने के छोटा बनाया है, ठीक, छोटा क्यों बनाया, क्योंकि देखिए इसके साथ में टी आ रहा है, ठीक. नेक्स्ट देखिए इलेक्टेड, इलेक्टेड, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो हमारा का है ये हमने बड़ा बनाया है, क्योंकि टी और डी बाद में साथ में आ गए दोनों, तो हमने यहाँ पे देखिए टी को छोटा बनाया है, ठीक है, और का हमने बड़ा बनाया, ठीक, इतना. अब देखिए अभी हमने यहां तक क्या बताया था आपको, कि अगर हमारे एल से पहले कोई वोवल आता है तब हम डाउनवर्ड एल बनाएंगे, और अगर एल के बाद कोई वोवल आता है, ठीक है ना, अगर एल के बाद कोई वोवल आता है तब हम अपवर्ड एल बनाएंगे, ठीक है. जैसे कि यहां से देखिए लॉन्ग, ठीक, ये देखिए लॉन्ग और ये एनजी लॉन्ग, ठीक है ना, एल के बाद ओ का साउंड आ रहा है, वोवल बाद में आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा लॉन्ग. ऐसे ही नेक्स्ट देखिए लाइक, आई आ गया बाद में, ठीक है ना, तो ऐसे देखिए लाइक, ठीक, ये क्या हो गया हमारा लाइक. ऐसे ही देखिए लेक, ए बाद में आ गया ना, लेक, ठीक. ऐसे ही नेक्स्ट देखिए लाइम, ठीक, तो देखिए लाइक मून, आई आ गया. क्लियर? ओके, आगे ना इतना समझ में. तो देखिए बहुत ही इजी रूल्स है, आई होप आप लोगों को सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. तब आप जल्दी से इनको नोट कीजिए, उसके बाद में आपको और रूल्स इसमें समझाती हूँ. अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट रूल, देखिए नेक्स्ट है हमारा व्हेन एल फॉलोज एफ बी एस के और ए स्ट्रेट अप स्ट्रोक. यानी कि देखिए जब हमारा ये जो एल है, ठीक है ना, ये F को, V को, S के को या फिर किसी भी अप स्ट्रोक को फॉलो करता है तब हम डाउनवर्ड L बनाते हैं. कौन सा L बनाते हैं? डाउनवर्ड L, ठीक है. और एंड ए वोवल डज नॉट एंड द वर्ड, और जैसे कि जो भी हमारा वर्ड है अगर उसके एंड में कोई, यानी कि कोई वर्ड हमारा L वाला है, ठीक है, जिसमें L आ रहा है, और उसकी एंडिंग अगर वोवल से नहीं हो रही है, यानी कि उसके एंड में अगर वोवल नहीं आ रहा है, तब भी हम डाउनवर्ड एल बनाते हैं. क्लियर? अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए आप लोगों को इजीली समझ में आएगा. देखिए जैसे कि देखिए फेल, ठीक है, अब देखिए अब हमारा एल किसको फॉलो कर रहा है? एफ,
आ गया ना ये एफ, ठीक। और इसके लास्ट में देखिए कोई वोवल भी नहीं दे रखा है ना, तो देखिए कैसे बनेगा ये, देखिए फे ल, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हमारा एल कौन सा बना, डाउनवर्ड एल बना, ठीक है ना। ऐसे देखिए नेक्स्ट देखिए फॉल, ठीक, ओ, ये एल जो है किसको फॉलो कर रहा है, एफ को, देखिए फॉल, ठीक, क्या हो गया ये फॉल। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए ओ फुल, देखिए ओ फुल, ठीक है ना, ओ और ये फुल, क्लियर। नेक्स्ट देखिए फील, फील, ठीक है, आ रहा है ना अच्छे से समझ में। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए फीलिंग, देखिए फील इंग, ठीक है ना, फील लिंग, क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए फेल, फे ल, ठीक। नेक्स्ट देखिए फिल, फिल। नेक्स्ट देखिए फुल, फुल, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए व्हील, वी है डार्क बनेगा, देखिए व्हील, फुल इसको, ठीक, क्लियर। आगे ना ये रूल समझ में कितना इजी था, ऐसे ही आगे देखिए, सॉरी फुल स्टॉप नहीं है यहाँ पे, ये कॉमा। ऐसे देखिए स्किल, अब यहाँ पे देखिए एल हमारा किसको फॉलो कर रहा है, एस के को, ठीक है ना, किसको फॉलो कर रहा है यहाँ पे हमारा ये एस एल एस के को, ठीक। तो ये देखिए स्किल, ठीक। नेक्स्ट देखिए रूल, रूल। नेक्स्ट देखिए स्केल, हो गया हमारा स्केल। ऐसे नेक्स्ट देखिए बैरल, बे रे और ल, बे रिल, क्लियर। नेक्स्ट देखिए सक्सेसफुल, सक्सेस फुल, ठीक है ना, सक्सेस फुल। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए यूजफुल, यूज, यूज फुल, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए रेल, रे ल, क्लियर, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे समझ में, यहाँ पे क्या था, जब देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी भी वर्ड की एंडिंग वोबल से नहीं हो रही है, यानी कि किसी भी वर्ड के एंड में वोबल नहीं आ रहा है, ठीक। आगे समझ में, तो आप देखिए मैं आपको अब नेक्स्ट रूल बताती हूँ। देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा, व्हेन ए वोबल एंड्स द वर्ड एल इज रिटन अपवर्ड, जब किसी भी वर्ड के एंड में वोबल आता है तब हम अपवर्ड एल बनाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि देखिए फॉली, ठीक है, हम इसको क्या रीड करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए फॉली। अब यहाँ पे देखिए एल के बाद यहाँ पे लास्ट में हम रीड किया फॉली, ई का साउंड आ गया, ठीक है, किसका साउंड आ गया लास्ट में, ई, यानी कि इस वर्ड की एंडिंग किससे हो रही है, ई से हो रही है, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा एल बनेगा, इसमें हमारा अपवर्ड एल बनेगा। देखिए जैसे कि देखिए फॉली, फॉली, ठीक। ऐसे नेक्स्ट देखिए अ फुली, इसमें भी ई आ गया, तो देखिए अ फुली, अ फुली, ठीक। ऐसे नेक्स्ट देखिए फे लो, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है ये फे लो, ए का साउंड आ रहा है, ठीक। तो ये देखिए सेकंड प्लेस पे आउटलाइन बनेगी, फे लो, फे लो, क्लियर। यहाँ पे भी देखिए एल हमारे क्या रहा, ओ का साउंड आ गया बाद में, तो हमारी आउटलाइन ये जो एल बना इसमें अपवर्ड बना। नेक्स्ट देखिए फुल्ली, ठीक है, तो देखिए फुली, ठीक। नेक्स्ट देखिए लवली, लवली, ठीक, लवली। नेक्स्ट देखिए सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, ठीक है ना, सक्सेसफुली, क्लियर। ऐसे नेक्स्ट देखिए यूजफुली, यूजफुली, ठीक, यूजफुली। ओके स्टूडेंट्स, आगे ना समझ में, तो देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको दो रूल समझा दिया, आई होप ये दोनों ही रूल आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बताती हूँ। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म्स और इसमें कुछ स्पेशल आउटलाइंस है वो भी देखिए, ठीक है। देखिए पहली है वॉल्यूम,
ठीक, ये भी देखिए हमारी फर्स्ट फ्रेज से स्टार्ट होगी, ओ का साउंड आ गया ना, तो ये देखिए व ल्यू और ये म, ठीक है ना, व और ये एल के बाद में जो यू का साउंड आ रहा है ये देखिए एम से पहले आ रहा है, तो ये हमारे यहां लग गया, तो ये क्या हो गया व ल्यूम, क्लियर, ठीक। ऐसी नेक्स्ट देखिए कॉलम, अब देखिए कॉलम हम कैसे लिखते हैं, देखिए ये पूरी आउटलाइन हमारी फर्स्ट प्लेस पे बनेगी, ठीक, देखिए क ल म, ठीक है ना, क लम, ठीक है, ओके। ऐसी नेक्स्ट देखिए फिल्म, एफ एल और ये एम और ये लग गया हमारा ई, तो ये क्या हो गया फिल्म, ठीक। तो ये तो तीन है हमारी इसमें स्पेशल आउटलाइंस। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म्स, देखिए कुछ शॉर्ट फॉर्म्स मैं इसमें आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि देखिए हमारी बुक्स में काफी सारी शॉर्ट फॉर्म सेम दिए रखे हैं तो जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जैसे कि एक है इनफॉर्म, ठीक, तो देखिए इनफॉर्म, इन फॉर्म, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इनफॉर्म, इनफॉर्म हमारी ऐसे दे रखी है और इनफॉर्म्ड भी हमारी ऐसे ही बुक में दे रखे, इनफॉर और इनफॉर्म्ड की सेम आउटलाइन दे रखे, बट आप क्या करेंगे देखिए थोड़ा समझने के लिए, देखिए इनफॉर्म की आउटलाइन आपने इस तरह से बनाई और इनफॉर्म्ड आप इस तरह से बनाएंगे, देखिए इन फॉर्म छोटा सा यहाँ पे डी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा इनफॉर्म, ये आपके लिए इजी रहेगा। ऐसे देखिए नवंबर, ठीक, तो देखिए नवंबर, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया नवंबर। अब बुक में हमारी देखिए नेवर और नवंबर दोनों की आउटलाइन सेम दे रखी है, तो ये क्या होगी आपका नेवर और नवंबर में क्या करेंगे आप, देखिए नवंबर में अभी छोटा सा यहाँ पे कट लगा देंगे जिससे आप ये समझ जाएंगे कि ये क्या है नवंबर, ठीक, नेवर एंड नवंबर। उसके बाद में देखिए सेटिस्फैक्ट्री, तो सेटिस्फैक्ट्री की हमारी आउटलाइन है सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखिए जनवरी, जे और ये एन, अब जनवरी क्या है हमारा नाउन है तो जिसको हम हाइफ़न से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होगी हमारी जनवरी की आउटलाइन। ऐसी देखिए रेस्पेक्ट, देखिए रेस्पेक्ट की आउटलाइन हमारी बुक में इस तरह से दे रखी है, ठीक है। अब रेस्पेक्ट और रेस्पेक्टेड दोनों की हमें आउटलाइन सेम दे रखी है बुक में, बट हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, देखिए रेस्पेक्ट को हम ऐसे ही बनाएंगे और रेस्पेक्टेड को हम क्या करेंगे, ये देखिए रेस्पेक्ट लिख के हम इसमें छोटा सा डी लगा देंगे, तो ये क्या हो गया रेस्पेक्टेड, ठीक। ऐसे नेक्स्ट देखिए एक्सपेक्ट और एक्सपेक्टेड दोनों की सेम दे रखे देख रखिए, तो देखिए हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा एक्सपेक्ट और ये एक्सपेक्टेड छोटा सा डी बना दिया, ठीक। अब देखिए इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टेड और इंस्पेक्शन तीनों की आउटलाइन सेम दे रखी है, ऐसे ही अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इंस्पेक्ट, ठीक, अब देखिए इंस्पेक्ट, ठीक, अब इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्टेड, ठीक है। अब देखिए इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में हम इस तरह से थोड़ा सा राउंड कर देंगे, ठीक है, ये क्या होगा हमारा इंस्पेक्शन, हो गई ना आउटलाइन चेंज। अब नेक्स्ट देखिए फरवरी, तो ये तो एफ और बी, ये क्या हो गया हमारी फरवरी की आउटलाइन, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए टुगेदर, अब टू गैदर, गैदर देखिए टू गैदर, ये टू आ गया ना, तो टू हमारा क्या बनता है लाइन पे, तो देखिए टू गैदर, ठीक, ये क्या हो गया हमारा टुगेदर। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए ऑल टुगेदर, अब यहाँ पे क्या आ गया ऑल आ गया और ऑल कहाँ बनता है हमारा लाइन के ऊपर यानी फर्स्ट प्लेस पे, तो ऑल टुगेदर की आउटलाइन कहाँ बनेगी हमारी ऊपर, ऑल टुगेदर, अब ऑल हमारा डार्क बनेगा क्योंकि ऑल तो हमारा डार्क बनता है, तो ये क्या हो गया हमारी ऑल टुगेदर। ऐसे देखिए इंश्योरेंस, ठीक, तो अब देखिए इंश्योरेंस की आउटलाइन, देखिए इंश्योरेंस की आउटलाइन हमारी किस तरह से बनती है, देखिए इन इंश्योरेंस, ठीक है। तो अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये देखिए हमने यहाँ पे आपको कुछ आउटलाइंस बताई हैं और कुछ स्पेशल आउटलाइंस हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो अब जल्दी से इसको नोट कीजिए आप लोग। ओके, हो गया नोट, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, आज हमने आपको देखिए एल पर बेस्ड सभी रूल समझा दिए हैं, आई होप आप लोगों को सब क्लियर हो गए होंगे, और इसी पर बेस्ड ही हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो हमने यहाँ पे बताई हैं, इनको भी ये तो आपको लर्न करने हैं, शॉर्ट फॉर्म्स तो लर्न ही करनी होती है, ठीक है। और आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर एक्सरसाइज कराएंगे, जो हमने आज आपको जितने भी रूल्स पढ़ाए हैं उन सभी की प्रैक्टिस होगी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट्स आज आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।